नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को हल करवाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए कि वृत्त में व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, और कुछ और बेसिक जानकारियां हैं उनको भी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होता है बीच में केंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीच में जहाँ पर प्रकार की नोक रखी जाती है और वृत्त को बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और देखिए, यहाँ केंद्र से जो जीवा जाती है उसको बोलते हैं वृत्त का व्यास, यानी ये क्या होता है, ये होता है वृत्त का व्यास। तो इस प्रकार से ये व्यास हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो ये होती है यानी कि केंद्र से और वृत्त की परिधि तक जो एक तरफ की जो है रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस, इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं, और इसको इसीलिए आर से प्रदर्शित करते हैं। और व्यास को देखिए डायमीटर बोलते हैं, इसीलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का व्यास हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब देखिए, जो ये भाग है यानी कि यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से एक बिंदु से पूरा एक चक्कर लगाने पर जो दूरी हम तय करेंगे उस दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे जो है वर्ग और आयत का जो है परिमाप निकाला जाता है, वैसे जब वृत्त की ये दूरी निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। और ये बीच का पोर्शन होता है, इसको वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि बीच में अगर कुछ कांच लगवाना है या जो है टाइल्स लगवाना है कोई वृत्त के अंतर्गत, या कोई कोई भी खर्चा अगर इसके बीच का निकालना है तो उसको कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए हमको वृत्त का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और तभी जो है हम उसके बीच में जो भी लगवाना है उसका खर्चा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीच का पोर्शन होता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, और ये त्रिज्या हो गई, ये वृत्त का व्यास हो गया। अब देखिए, जो है केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो ये मेन पॉइंट है इसको बोलते हैं केंद्र, इंग्लिश में इसको सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो ये हो गया केंद्र। और देखिए, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, तो देखिए वृत्त की जीवा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वृत्त की परिधि है, तो परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त की जो है जीवा बोलते हैं। और जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी ये क्वेश्चन बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जो है यहाँ पर जीवा छोटी और बड़ी भी हो सकती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर जो है ये दो बिंदु को मिलाए तो ये भी क्या होगी, वृत्त की जीवा होगी। इसी प्रकार से जब जो है जीवा वृत्त की केंद्र से जाती है तो वो क्या हो जाती है, व्यास हो जाती है, और वही सबसे बड़ी जीवा हो जाती है। और देखिए, दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त या दीर्घ चाप या लघु चाप किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये वृत्त की जीवा है, तो यहाँ पर जो ये इतना भाग है इसको लघु चाप या लघु वृत्त बोलेंगे, और जो ये बड़ा वाला भाग है इसको भी चाप ही बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ चाप हो जाएगा, और जो है या जो है दीर्घ वृत्त भी इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप हो जाएगा, या ये लघु वृत्त और ये दीर्घ वृत्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त भी आप लोग बता सकते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7.7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7.7 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां पर आर बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 7.7 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो देखिए, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की
परिधि बराबर फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22/7, पाई ना रखिए यहाँ पर, डायरेक्ट 22/7 कर दीजिए। और फिर आर यहाँ पर दिया हुआ 7.7, अब यहाँ पर देखिए 7 से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो 7 × 7 पॉइंट लगाएंगे, 7 × 7 तो यहाँ पर 1.1 आ गया, और यहाँ पर देखिए 22 × 2 = 44 हो जाएगा, और फिर गुड़े यहाँ पर हो जाएगा 1.1। अब 44 का 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 × 44 = 4 हो जाएगा, और फिर जो है 44 × 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। एक जो है अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो इस प्रकार से 48.4 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए वृत्त की परिधि है यहाँ पर सेंटीमीटर में, त्रिज्या दी हुई थी तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख लेंगे, 48.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और उसके बाद फिर वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, और फिर यहाँ पर देखिए 2 × π का मान रख लेंगे 22/7, और गुड़े आर कितना है 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको 7 से कैंसिल कर देंगे, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का 2 से गुड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 4, और फिर यहाँ पर गुड़े 22 है तो 22 से इसका गुड़ा कर देंगे, तो 4 × 2 = 8, और 4 × 2 = 8 यानी कि 88 जो है सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, 88 सेंटीमीटर। अभी हमको वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए पाई का मान जो है 22/7 रख देंगे, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 × 14 कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 × 2 = 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 है, 22 × 28 हो जाएगा। अब 22 का जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 22 × 28 हो गया। अब यहाँ पर 22 का 28 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए इधर साइड में गुणा कर लीजिए, 22 × 28, यहाँ पर देखिए 8 × 16 = 16, 6 और 8 × 16 = 17 हो जाएगा, फिर 2 × 4 और 2 × 4। अब यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ 7 × 4 = 11, और यहाँ पर जो है 5 × 1 = 6 हो जाएगा, यानी कि 616 हमारा आंसर आ जाएगा। 616 चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्ताकार खिड़की में कांच लगाना है, खिड़की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कांच का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है एक वृत्ताकार खिड़की है, इस तरीके से वृत्ताकार खिड़की है, और इसमें क्या करना है, इसमें जो है कांच लगवाना है, तो इसमें कांच लगवाना है, और जो है इस वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए एक वर्ग सेंटीमीटर जो है कांच लगवाने का खर्चा कितना दिया हुआ है, 1.25 रुपये दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इस पूरे वृत्त में कांच लगवाने का खर्चा निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए जितना क्षेत्रफल आएगा
उसको जो है इससे गुणा कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल जितना निकलेगा तो उससे क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, आर बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद फिर देखिए हम वृत्ताकार खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्ताकार खिड़की का क्षेत्रफल बराबर, वृत्ताकार खिड़की का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख देंगे, और उसके बाद फिर देखिए आर का मान क्या हो जाएगा 14 यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, तो यानी कि 14×14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से इसको भाग कर देंगे तो 7×2=14 हो जाएगा। अब जो है इसका देखिए क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 का पहले जो है 14 से गुणा करेंगे तो 14×28 हो जाएगा, 28×8 और फिर 14×28 एक 29 और 31 यहाँ पर यानी कि 30 हो जाएगा। देखिए 14×28 और 14×28 2 30 हो जाएगा, और फिर अभी 2 बाकी है तो 2 से इसका और गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आया है तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि एक वर्ग सेंटीमीटर कांच का मूल्य बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वर्ग सेंटीमीटर कांच का मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक वर्ग सेंटीमीटर कांच का मूल्य बराबर तो देखिए कितना दिया हुआ है 1.25 रुपया, इसलिए 616 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 616 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यानी कि हमको 616 वर्ग सेंटीमीटर ही कांच लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 616 वर्ग सेंटीमीटर कांच का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 616 से 125 यानी कि 1.25 का गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं 1.25 और 616, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो 6×5=30, 30 का 0 हो जाएगा, और 6×2=12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15×5 और 6×6=7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर फिर ऊपर वाली संख्या उतार लेंगे तो यहाँ पर 0, 5 और 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5×5=10, और यहाँ पर 7×3=10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 770 हमारा आंसर आ जाएगा, 770.00 है तो यहाँ पर 770 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। पुनः एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है और हमको क्या करना है, इस वृत्ताकार खिड़की में कांच लगवाना है, एक वर्ग सेंटीमीटर कांच का मूल्य दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, इस वृत्ताकार खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ पर वृत्ताकार खिड़की का क्षेत्रफल निकल आया हमारा 616 वर्ग सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर एक वर्ग सेंटीमीटर कांच का मूल्य यहाँ पर 1.25 रुपया दिया हुआ है, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर कांच का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 125 यानी कि 1.25 का जो है 616 से गुणा कर लेंगे, और फिर यहाँ पर गुणा करने पर देखिए कितना आया है 770 आया है, तो 770 रुपया ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आया यहाँ पर ज़्यादा था लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर 770 रुपया हमारा बचेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः, देखिए 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा
देखिए कितना है, 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर है। बीच के छल्ले की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर है। बीच के छल्ले की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों वृत्तों को बना लेते हैं। देखिए कहा गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है। संकेंद्रीय का मतलब जिनका जो है केंद्र एक ही है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक वृत्त ये दिया हुआ है, इस तरीके से एक वृत्त ये दिया हुआ है और एक वृत्त मान लीजिए ये दिया हुआ है, और दोनों का केंद्र जो है वो क्या है, दोनों का केंद्र एक ही है। इस तरीके से मान लीजिए वृत्त दिया हुआ है और जो है दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः जो है इतना वर्ग सेंटीमीटर तथा इतना वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि एक जो छोटा वाला वृत्त है उसका जो है क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा जो बड़ा वाला वृत्त है उसका 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो बीच के छल्ले की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमको। तो यानी कि जो ये बीच का छल्ला जो ये है, इस छल्ले की हमको क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिए हुए हैं और इन क्षेत्रफल की सहायता से अगर हम दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकाल लें, तो देखिए एक वृत्त की त्रिज्या इतनी हो जाएगी और एक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए और केंद्र एक ही है, तो यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या इतनी होगी और दूसरे की इतनी होगी। तो जब हम बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से इस छोटे वाले त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारी जो ये दूरी है ये पता चल जाएगी, और हमको यही दूरी जो है निकालना है, यानी कि जो है बीच में छल्ला बन रहा है यही छल्ले की चौड़ाई हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, और फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, और फिर जो है छल्ले की चौड़ाई बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या फार्मूला लगा देंगे, और उसकी सहायता से फिर जो है हमारी जो ये बीच की छल्ले की चौड़ाई है वो निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं पहले वृत्त यानी कि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर लिख लेते हैं पहले वृत्त, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं छोटे वाले वृत्त, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1386 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, और आर हमको पता नहीं तो आर की जगह पर आर स्क्वायर ही रखेंगे। अब आर स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे और इनको एक तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर 1386 गुड़े, यहाँ पर देखिए जब संख्याएं इधर आएंगी तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 22 से इसको सरल कर लेंगे, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 22 से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 22 छक्का यानी कि 6 बार जाएगा। तो 22 छक्का कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्योंकि 6 बार जाएगा तो यहाँ पर देखिए 22 छक्का कितना हो जाएगा, 6 × 12 और जो है 6 × 12 13, यहाँ पर 132 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6 और फिर 22 × 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 छक्का कितना हो जाएगा, 132 और फिर 22 × 66 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 63 और यहाँ पर जो है गुड़े में 7 है तो 63 का 7 से गुड़ा हो जाएगा। तो 63 का 7 से गुड़ा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 × 21 21 का 1 और फिर 7 छक्का कितना हो जाएगा, 42 और 42 × 2 = 44। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 441। अब आर यहाँ पर देखिए आर का जो स्क्वायर है हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर रूट के अंदर 441 हो जाएगा। और 441 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 441 का वर्गमूल होगा 21, क्योंकि 21 × 21 जो है वो कितना होता है, 441 होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी निकल आएगी, 21 सेंटीमीटर
निकल आएगी। तो इस प्रकार से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आसानी से निकल आएगी। अब क्या करेंगे, अब जो है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला दूसरा लगा देंगे। देखिए दूसरे वृत्त यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए दूसरे वृत्त यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ये फार्मूला लगाएंगे तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्षेत्रफल 1886.6 और यहाँ पर 22/7 हो जाएगा और गुड़े आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1886.6 गुड़े 7/22 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 22 से इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए 22 से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ इसको, इसलिए यहाँ पर जो है बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर बच जाएगा 85.754 और जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है 7 से इसका गुणा हो जाएगा, तो 7 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 और 0.278, ये इतना आ जाएगा। आप लोग हल करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा था तो यहाँ पर करने में थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैंने पहले ही इसको सॉल्व करके रख लिया था और आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा 600 रूट के अंदर और 0.278 हो जाएगा। अब यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब इसका वर्गमूल दशमलव वाला वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए वर्गमूल इसका निकलेगा 24.5 यानी कि 24.5 आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पर पॉइंट वाली जो संख्या है इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24.5 वर्गमूल इसका निकल आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 24.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी दूसरे वाले बड़े वाले वृत्त की। अब इधर साइड में इसको कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो पहली त्रिज्या है देखिए छोटे वाले वृत्त की वो 21 निकल चुकी है और बड़े वाले वृत्त की 24 निकल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है छल्ले की चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं छल्ले की चौड़ाई बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए R1 - R2 कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर इसको कर लें R2 यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी R है इसको R2 अगर लिख लें और इसको R1 लिख लें इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R1 - R2। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 और माइनस यहाँ पर देखिए R2 कितना आया है 21 आया, तो यहाँ पर 21 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिए पुनः एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए दो समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः देखिए 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर है, बीच के छल्ले की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो समकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से जो है वृत्त खींचे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ही केंद्र है और एक वृत्त ये छोटा वाला बना है एक बड़ा वाला बना है, तो ये वृत्त की हमको क्या करना है चौड़ाई, सॉरी ये छल्ले की चौड़ाई हमको जो है क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है क्षेत्रफल दोनों के दिए हुए हैं तो क्षेत्रफल की सहायता से बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, और जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ये बीच का छल्ला है ये छल्ले की चौड़ाई निकल आएगी। वही यहाँ पर किए हैं, जो है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दौड़ के लिए वृत्ताकार ट्रैक यानी कि रास्ता ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए, इस ट्रैक का व्यास कितना होगा। यानी कि एक वृत्ताकार ट्रैक जो है बनवाना है और जो है उसका जो एक चक्कर जो है लगाने में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए, तो इस ट्रैक का क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि वृत्ताकार ट्रैक ये है, तो यहाँ पर देखिए ये वृत्ताकार ट्रैक दिया हुआ है और जो है इसको इस तरीके से बनवाना है कि जो है एक चक्कर पूरा करने में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर 110 मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। तो यहाँ पर एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी होगी तो इसकी जो परिधि होगी वो क्या हो जाएगी, 110 मीटर हो जाएगी। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको इस वृत्त का व्यास निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये केंद्र बिंदु है और हमको व्यास निकालना है, तो यहाँ पर इसको जो है यानी कि केंद्र से एक तरफ की दूरी को, परिधि तक की एक तरफ की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और जो है केंद्र से दोनों तरफ की दूरी को यानी कि इस प्रकार से इस दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो हमको वृत्त का व्यास निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर 2πr वाला फार्मूला लगाएंगे और देखिए वृत्त की परिधि दी हुई है 110, तो यहाँ पर 110 रखेंगे और 2 × 22/7 हो जाएगा और × r हो जाएगा। अब यहाँ पर r को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 110 और फिर देखिए जो संख्या गुणे में है वो बटे में हो जाएंगी और जो बटे में है वो गुणे में हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 गुणे में है तो इधर बटे में जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा, बटे में 7 है तो ये गुणे में हो जाएगा और बाकी 22 × 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 11 से इसको काटेंगे तो 11 × 2 = 22 हो जाएगा और 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब r बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35/2 हो जाएगा। अब 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 1 = 2 और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बचा 1 और 2 × 7 = 14 और फिर यहाँ पर 1 बचा तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 17.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी मीटर में दिया हुआ तो मीटर में आएगा, यानी कि जो ये त्रिज्या दी हुई है वो त्रिज्या कितनी आएगी, 17.5 मीटर आ जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है व्यास। तो यहाँ पर व्यास बराबर फार्मूला लगा देंगे, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ व्यास बराबर 2r रख देंगे, तो यहाँ पर 2 × r का मान कितना आया है, 17.5 आया, तो 17.5 रख देंगे और 17.5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 × 2 = 34 और 5 × 2 = 10 यानी कि 35 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए 17.5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 मीटर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो व्यास कितना इसका आ जाएगा, 35 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था, नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था, नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे,
तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम चित्र के द्वारा इसको समझ लेते हैं। देखिए कहा गया है तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था, यानी कि आयत कैसा होता है, देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति आयत की होती है। देखिए ये हो जाएगा आयत, यानी कि इसकी जो है लंबाई कितनी दी हुई है 8.9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। और फिर कहा गया है कि नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि जो ये तार है इसी तार को जो है मोड़ करके जो है क्या किया गया है कि एक वृत्त इस प्रकार से बनाया गया है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि इस जो ये जो है आयत बना हुआ है, इस आयत का हमको परिमाप पता होना चाहिए, और जो इसका परिमाप होगा वही क्या होगी, तार की लंबाई होगी, यानी कि तार यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही क्या होगी, तार की लंबाई होगी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम तार की लंबाई निकाल लेंगे। तो तार की लंबाई बराबर जो है क्या होगा, ये आयत का परिमाप होगा, क्योंकि आयत का अगर परिमाप हम निकाल लें तो तार की लंबाई निकल आएगी। तो यहाँ पर तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप, तो देखिए आयत का परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसकी दी हुई है। तो देखिए आयत के परिमाप का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी दी हुई है, 8.9 दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 5.4 दी हुई है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 13, 13 का 3 और पॉइंट, फिर 8 5 13 और 1 14, यानी कि 14.3 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और पॉइंट लगाएंगे, 2 4 को 8 और 2 1 2, यहाँ पर 28.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि जो तार की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 28.6 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है, अब हमको वृत्त की परिधि निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो तार की लंबाई आई है वो तार की लंबाई यानी कि जो ये आयत दिया हुआ है आयत का परिमाप हो जाएगा, और जो आयत का परिमाप आएगा यानी कि वही तार मोड़ करके ये वृत्त बनाया गया है, तो जो आयत का परिमाप आएगा वही क्या होगी, वही वृत्त की परिधि होगी। तो यहाँ पर जो है हम आसानी से लिख सकते हैं, अतः वृत्त की परिधि बराबर देखिए यहाँ पर जब ये परिमाप निकाल चुके हैं और यही तार मोड़ करके वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, जो आयत का परिमाप आया है वही वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः वृत्त की परिधि बराबर 28.6 सेंटीमीटर। और फिर जो है क्या करेंगे आगे, यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि के फार्मूले से जो है हम क्या करेंगे, त्रिज्या को निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, 2πr बराबर 28.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई का मान रख देंगे, तो देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर बराबर 28.6 हो जाएगा। r को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए 28.6 गुड़े यहाँ पर हो जाएगा 22, सॉरी यहाँ पर गुड़े हो जाएगा 7, क्योंकि बटे वाली संख्या गुड़े में जाएगी और बाकी जो गुड़े में संख्या है वो बटे में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/2। अब यहाँ पर जो है इनको सरल कर लेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और फिर 2 चौको 8 और फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14.3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 22 से इसको काटेंगे, तो देखिए 22 से तो ये डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 11 से इसको काटेंगे, तो 11 दुन्ना 22 हो जाएगा और यहाँ पर 11 एकम 11 और पॉइंट गेरत यही 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.3 हो जाएगा और इंटू 7 है यहाँ पर, और यहाँ पर बटे में बचेगा 2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1.3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए
13 97 91 होता है, तो यहाँ पर 91 लिखेंगे और एक जो है अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और बटे में 2 हो जाएगा। अब जो है 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर अभी एक बचा, फिर जो है पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4.55 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी लगाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय। तो देखिए मान लीजिए घास के मैदान में एक मान लीजिए ये खूंटा है और इस खूंटे से गाय जो है बंधी हुई है और कहा गया है कि 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। तो देखिए 10.5 मीटर तक जो है दूरी तक घास चर सकती है, यानी कि हमको क्या दी हुई है, रस्सी की लंबाई हमको दी हुई है। तो मान लीजिए रस्सी जो है वो कितनी है, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर ये रस्सी दी हुई है और इसी जो है यानी कि ये जो है केंद्र बिंदु है और इसी के जो है अकॉर्डिंग ये चारों तरफ जो है जो घास है वो चर सकती है, क्योंकि ये रस्सी जो है वो कितनी है 10.5 मीटर है। तो यानी कि ये रस्सी मान लीजिए यहाँ पर गाय खूंटे से बंधी हुई, तो इस तरीके से गाय इसके चारों तरफ इस तरीके से जो है घास को चर सकती है। तो इस प्रकार से जो है घास चरेगी, यानी कि यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर मान लीजिए ये दूरी है, तो अब क्या करेंगे, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है, यानी कि हमको इस पूरे वृत्ताकार क्षेत्र जो है क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। पुनः देखिए एक बार समझ लेते हैं कि देखिए एक गाय है, वो गाय एक खूंटे से बंधी हुई है और जो है क्या कहा गया है कि जो है 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है, यानी कि जब खूंटे से यहाँ बंधी हुई 10.5 मीटर तक घास चर सकती है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो डोरी लगी हुई है या कह लीजिए रस्सी लगी हुई है उसकी दूरी यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यानी कि जितनी रस्सी लगी हुई है उसी रस्सी की लंबाई जो है उसी लंबाई की चारों तरफ जो है दूरी वो कवर कर सकती है, यानी कि उसकी घास जो है चर सकती है। तो इस प्रकार से ऐसे वृत्ताकार क्षेत्र में वो घास चर सकती है और क्या करना है कि उसी वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि हमको त्रिज्या ये दी हुई है, जो रस्सी है गाय की वो जो है समझ लीजिए कि क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो है गाय 10.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्र की घास चर सकती है। देखिए गाय 10.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्र की घास चर सकती है, अतः त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अतः त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी 10.5 मीटर। और देखिए जब त्रिज्या हमको पता चल गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसी त्रिज्या के सहारे जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको पॉइंट को जो है बटे के रूप में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है क्षेत्रफल निकालने में हमको फिर आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट को यहाँ पर हटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर 1 0 आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सरल भी कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5, तो यहाँ पर देखिए 21/2 हमारा जो है हमारी जो है त्रिज्या आ जाएगी। अब इस 21/2 को क्या करेंगे, क्षेत्रफल में जो है त्रिज्या का मान रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि
जो है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या है, 22/7 है, और यहाँ पर देखिए आर का मान कितना निकाले हैं, 21/2। तो यहाँ पर देखिए 21/2 दो बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पर 21/2 गुणे 21/2 दो बार हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 * 21 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 * 1 = 2, 2 * 1 = 2। अब यहाँ पर ऊपर बचा 11 और 3 और 21, तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 11 * 3 * 21, और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2। यहाँ पर सिर्फ 1 2 बचा हुआ है। अब इनका सबका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कितना हो जाएगा इनका, तो देखिए 21 * 3 = 63, और यहाँ पर देखिए 21 * 3 से गुणा करेंगे तो 21 * 3 = 63, और 63 * 1 = 63 हो जाएगा, तो यानी कि 63 * 3 हो जाएगा। और फिर 21 * 3 = 63, और 63 * 6 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, और 69/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 693 का 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 * 3 = 6, और फिर 2 * 4 = 8, और फिर यहाँ पर 2 * 6 = 12, और फिर 2 * 5 = 10, यानी कि यहाँ पर 346.5 m² आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर वर्ग मीटर में आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 m है, मैदान के बाहर चारों ओर 7 m चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दी हुई है 56 m, और मैदान के बाहर चारों ओर 7 m चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो है वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी दी हुई है, इस तरीके से मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार मैदान है, और वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दी हुई है, इस तरीके से वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी दी हुई है, दी हुई है 56 m, और कहा गया है कि मैदान के बाहर चारों ओर 7 m चौड़ी सड़क बनी है। तो मैदान के बाहर जो है सड़क बनी हुई है, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए ये ऐसे इस रूप में मान लीजिए कोई सड़क बनी हुई है, और वो कितनी चौड़ी है, 7 m चौड़ी, इस प्रकार से मान लीजिए सड़क बनी हुई है, तो ये जो है इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, इसकी चौड़ाई दी हुई है 7 m। तो यहाँ पर देखिए ये चौड़ाई कितनी है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या कितनी है वो है 56 m, और यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है इस सड़क की चौड़ाई कितनी है, 7 m है। तो अब देखिए कुल मिलाकर के अगर ये वृत्त देखा जाए बड़ा वाला, तो बड़ा वाला वृत्त जो है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 56 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, यानी कि 63 m इसकी जो है त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर निकालना क्या है कि सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए यहाँ पर जो है केवल हमको सड़क की चौड़ाई पता है और वृत्ताकार ये है, तो इसलिए हमको ऐसे जो है सड़क का क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले जो है वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस प्रकार से जो सड़क का क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख लेंगे यहाँ पर, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, देखिए 56 m है, 56 m, और फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 56 + 7, तो यहाँ पर 56 + 7 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 + 7 का मतलब 63 m, तो यहाँ पर 63 m हो जाएगा। अब छोटे वृत्त का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल देखिए फार्मूला लगा देंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 56 है, तो यहाँ पर 56 त्रिज्या की जगह पर रख देंगे, और जो है पाई की जगह पर पाई ही रहने देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई गुणे 56
स्क्वायर, और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, और फिर यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि वृत्त का फार्मूला, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर पाई ही रहने देंगे, और आर की जगह पर देखिए यहाँ पर जो है त्रिज्या 63 दी हुई है, तो यहाँ पर गुणे 63 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी लिख लेंगे वर्ग मीटर। अब हमको क्या करना है, अब हमको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकल चुका है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर, सड़क का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा देखिए क्या पाई इंटू 63 का स्क्वायर, और फिर माइनस हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई इंटू कितना 56 का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे, तो देखिए पाई कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 63 का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 56 का स्क्वायर, और बीच में माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो देखिए इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर 63 प्लस 56 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 63 माइनस 56 हो जाएगा। देखिए चाहें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लें और इसका स्क्वायर निकाल लें फिर घटा दें तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फार्मूला क्यों लगाया गया है, इसको आसान बनाने के लिए, यानी कि हमको कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर फार्मूला लगा लिए हैं, नहीं तो आप चाहते तो यहीं पर इसका स्क्वायर निकाल लेते, यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाल लेते, और लास्ट में यहाँ पर जो है इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है कैलकुलेशन हमको कम करना पड़े, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से किए हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 63 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 639 हो जाएगा, और 6511 हो जाएगा, यानी कि 119 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 63 में से 56 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 63 में से 56 माइनस होगा तो 4 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है गुड़े में 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पाई की जगह पर जो है 22/7 मान रख लेंगे, तो यहाँ पर 22/7 पाई की जगह पर मान हो जाएगा, और गुड़े 119 हो जाएगा, और गुड़े 7 हो जाएगा, अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से अब 22 गुणे 119 बचा है, तो इसका हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर साइड में गुणा कर लेते हैं 119 गुणे 22, तो यहाँ पर जो है दो से सबसे पहले गुणा करेंगे, तो 2 9 18 का 8 और 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 1 2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो फिर यही संख्या आएंगी 8 3 2, और फिर इनका करेंगे योग, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 3 11 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2618 वर्ग मीटर, चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।